देखो जी, जिहड़े सुप्रीम कोर्ट तों ऑर्डर आए ने, इह बड़ी स्पष्ट गल है कि असी सुप्रीम कोर्ट च नहीं गए। जिहड़े इह खेती विरोधी कानून पास किए ने, इह किए ने केंद्र सरकार ने। केंद्र नाल साडी गलबात चल रही है, तो इहदे विच केंद्र सरकार जिहड़ी आ इह मन चुकी आ कि इह किसानां दे हित विच नहीं, तो तुसीं संशोधन कर लो। असी इह गल संशोधन नूं नहीं मन्ने भी जदों तुसीं मन लिया भी इह ठीक नहीं हैगे तो फिर इहनां नूं रद्द करो। वो रद्द करन दे जिहड़ा वो मूड च नहीं हैगे, वो इन्हां कानूनां नूं लागू रखना चाहुंदे आ, जिस करके अपनी चमड़ी बचाउण वास्ते वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने किसी सज्जे खब्बियों जिहड़े असी कोई बंदे भेजते, असी सुप्रीम कोर्ट गए नहीं गए, तो असी यह गल कहती सी कि असी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। ये 8 तरीक नूं भी साडी गल हो गई, इस तों पहलां भी साडी होई, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नूं विच दखलअंदाजी विच उन्होंने पा के, तो सानूं एक किस्म दा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे राही सानू वो साढ़े गल च गलावा पाना चाहते हैं, ये फांसी सानू बल्कि जी लेनी चाहते हैं। असी वो जिहड़े कानून जिहड़ी उन्होंने कमेटी बनाई आ उन्हूं फैसला आने तो एक दिन पहले ही ये गल कहती सी कि असी किसी भी कमेटी नूं नहीं मन्नांगे। उन्हां सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाती है, असी उस कमेटी नूं नहीं मनते। उस कमेटी एक कमेटी नूं तो वैसे असी पहले नहीं मनते, पर जिहड़े कमेटी दे विच जिहड़े मैंबर पाए गए ने वो हैन कौन, उन्हां दा हुण तक दा की है? वो तो खुद इन्हां कानूनां की वकालत कर चुके हैं, तो जिहड़े कानूनां की वकालत करते रहे ने वो की इन्हां दे अज खिलाफ़ बोलणगे? इस करके असी उन्हें मुंडो रद्द किया। जो सरकार डायरेक्टली नहीं कर सकती थी, उन्हें इंडायरेक्टली करवाया। सुप्रीम कोर्ट हमदा की रहा अधीन, सरकारां दे अधीन, सरकारां दा कहना मन्निया उन्हें, तो उस तरीके नाल उन्होंने बंदे की कमेटी बनाई है जो कि हमेशा आर्टिकल चैक उन्हें चैक करो, हमेशा इन्हों कानून के फेवर च रहे हैं, तो कमेटी बनाने उन्होंने बनाई है। इन असी किसान कोई मनेगा नहीं, ना कोई मन के रखिए। खेती विरोधी कानून बनाने, ये उस समय से बनाए ने जिस समय से करोना का बहुत रौला पै रहा है, उस समय से बने और आर्डीनेंस लेंदे ने। आर्डीनेंस उस टाइम पर लिया जाता जो कोई एमरजेंसी हो, बहुत जल्दी में कोई फैसला करना हो, कोई पार्लीमेंट का सैशन नहीं बुला सकते, तो भाई फटाफट आर्डीनेंस लियाओ। सो इन्होंने उस टाइम पर आर्डीनेंस लेंदे, तो आर्डीनेंस लियान तो बाद फिर इन्होंने जिहड़ा वो बिल लिया के पार्लीमेंट दे चे, ते पार्लीमेंट दे चे ते इन्हां दा बहुमत सी उत्थे, ते इन्हां ने पास कर लिया, ते इहदे नाल राज्यसभा दे विच इन्हां कोल बहुमत नहीं सी, पर इन्हां ने उत्थे भी गलत तरीके दे नाल इह कानून जिहड़ा इह बना लिया। हुण जिहड़े गलत ढंग दे नाल बने हुए कानून ते जिहड़े सूबे ने उहनां दे हक्कां दे उत्ते डाका मारिया, क्योंकि ये सूबे जिहड़े खेती दे संबंध नाल संबंधित जिहड़े कानून ने वो सूबे नूं अधिकार है, प्रदेश दे हक मतलब कि उहदे अधिकार ने, इन्हां ने प्रदेश दे जिहड़े अधिकार सी उन्हां नूं गैर कानूनी तरीके दे नाल इन्हां ने ये कानून पास जिहड़े आ उह कीते ने, ये बिल्कुल गलत कीते ने। देखो जी, सब तो पहला है भी 26 जनवरी तो पहला साढ़े होर भी प्रोग्राम ने, जिस तरह असी अज लोहड़ी वाले दिन जिहड़ा सी वो कानूनों दी जिहड़े एक खेती विरोधी कानून बनाए गए से उन्हां तिन्न दी कापियां असी अग दे विच जलाईआं ने, ते उस तो बाद फिर 18 तरीक नूं किसान महिला दिवस है, असी वह मना रहे हैं। उस तो बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 20 तरीक नूं आगमन पुरब है, असी वह मना रहे हैं। सो असी साढ़े उस तो पहला भी प्रोग्राम ने, तो जिहड़ी 26 जनवरी की जिहड़ी गल है ये साढ़े खिलाफ़ एक बड़ा भंडी प्रचार किया जा रहा है कि ये जी खालिस्तानी आ गए ने, ये फलाने आ गए ने, माओवादी आ गए ने, तो उन्होंने इस मोर्चे को जोड़ा है वो हाईजैक कर लिया, तो ये पता नहीं 26 तरीक को की करे, कभी कहें कि ये लाल किले से झंडा चढ़ाएंगे, ये फलाने करे। साडा असी वेखो इको गल है साड़ी कि असी ये पीसफुल संघर्ष शुरू किया, पीसफुल हुण तक रहा, पीसफुल अगे रहेगा। साडा इहदे नाल इस तरह का होर कोई भी साडा कोई साडी मनसा नहीं हैगी कि जिहदे नाल असी कोई टकराव दी नीति चाहुंदे। देखो असी इह गल कही है कि एक पासे तां किसान दा पुत जिहड़ा किसान दा एक बेटा जिहड़ा है वह बार्डर ते रख्या कर रहा, दूसरा बेटा जिहड़ा वह खेती कम कर रहा, वह अनाज पैदा कर रहा, तो उत्थे जिहड़े एक पासे परेड जिहड़ी आ वो भी किसान का बेटा ही कर रहा, उ जवान वो वर्दी में वो भी उत्थे परेड कर रहे हैं, दूसरे पास असी ट्रैक्टर की जी रैली जी कर रहे हैं। असी कोई टकराव की नीति नाल नहीं,
असी सिर्फ अपना एक रोस जाहिर कर रहे हैं कि साडा तुसीं साडे जिहड़े ये खेती विरोधी कानून बनाए ने उन्हां नूं तुसीं रद्द नहीं कर रहे। जिहड़ी असी 26 तरीक दी जिहड़ी साडी ट्रैक्टर रैली आ उह केवल साडा बिल्कुल पीसफुल एक प्रदर्शन होएगा, एक परेड के रूप में ट्रैक्टर की परेड जिहड़ी आ हो रही है, इस करके ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो यह भी हुंदा है कि सरकार नूं इह चीज़ां लोगों के जागृति पैदा हो, रोह पैदा हो रहा, लोग जिहड़े ने इकट्ठे होकर जिहड़ा वो आ रहे हैं। तो असीं वो ट्रैक्टर रैली आ, वह ट्रैक्टर सारे ये दिल्ली कितों जाने तो वेखो तुसीं लंबियां लाइनां किस तरह जिहड़ियां ने वह लगदियां कितों कितों तक जिहड़ियां लंबियां लाइनां, लोग आम हारे ट्रैक्टर लैके आ रहे हैं और पीसफुल होएगा। सर 26 जनवरी साडी भी है, 26 जनवरी तुहाडी भी है, 26 जनवरी देश के भारत के हर नागरिक की है और हर नागरिक नूं हक है कि अपने देश के संविधान ले दिली जिहड़ी गणतंत्र परेड निकलती है उन्होंने जाके देखे, उन्होंने देखने को कोई भी ऐसा कानून नहीं है, लॉ नहीं रोक सकता है। तो असी इतों कुछ नहीं चाहते, असी सिर्फ अपने गड्डियां ट्रैक्टर जावांगे, वो परेड देखांगे, देख के शांतिपूर्वक वापस आ जाएंगे। साडा हक बनता कि नहीं बनता तुसीं दसो, सरकार नूं पुछना कि साडा 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस मनाने का साडा हक है कि नहीं है। देखो जी, ट्रैक्टर किसान का जो हिंदुस्तान की सब तो पहली गणतंत्र दिवस परेड निकली सी, तुसीं उहदी तस्वीर कढ़ के देखो नैट पर, वह भी ट्रैक्टर से निकली सी, वो ट्रॉली से निकली सी। तो अज फिर ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई तो की है सर, कोई इतराज सुन ला, कोई असं इतिहास दोबारा दोहरा रहे हैं, उही ट्रैक्टर ट्रॉली दोबारा अज तो दोबारा ट्रैक्टर ट्रॉली जाएगी और यह किसान का हक है, हर भारतीय का हक है, तो असं जावे। Oh, yeah!